वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हाथी हेयर। आज का टॉपिक हमारा है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि इवोल्यूशन पर लामार्क ने अपनी थ्योरी पेश की थी, डार्विन ने भी अपनी थ्योरी पेश की थी। अब हम आते हैं इसके एविडेंस की तरफ। जैसे कि मैं ऑलरेडी नियो डार्विनिज्म में बता चुका हूँ, जैसे जैसे डार्विन की थ्योरी के बाद जैसे साइंस में तरक्की आती गई तो नॉलेज में इजाफा आता गया, साइंस मज़ीद बढ़ता गया आगे की तरफ, नॉलेज आया। उस नॉलेज ने इस थ्योरी के अंदर कुछ और एडिशन की और उन एडिशन से डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट मिला। तो आज हम उन एविडेंस को देखते हैं, प्रूफ सबूत देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि इवोल्यूशन हो चुका है। दोबारा मैं वैसे एक चीज़ बताना चलूँ कि एवोल्यूशन, मैं बजाते खुद एवोल्यूशन को दुनिया के अंदर जितने बाकी जानदार है उस हद तक मैं उस पर अगर यकीन करूँ तो साइंटिफिकली हो सकता है, लेकिन एक चीज़ पर कभी मैं यकीन नहीं कर सकता। पहले मैं बता चुका हूँ थ्योरी एवोल्यूशन की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है और इंसान के केस में तो इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, साइंटिफिकली भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, हमें इस्लाम बिंग मुस्लिम हमें ये बताया गया है, ये एक फैक्ट है, अल्लाह ताला के अल्फाज जो भी है वो एक हकीकत है। उसमें इंसान इस दुनिया में अपनी इस शक्ल में आया है, उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आई हुई है आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में। इंसान दुनिया में जिस शक्ल में आया था अभी वैसा है, ऐसा रहेगा। अलबत्ता ख्यालात में एडवांसमेंट आती जाती है, सोच में एडवांसमेंट आती है, लेकिन इंसान में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस तरह आप नहीं कह सकते हैं कि उधर तीन हाथ या अभी दो हाथ हो गए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अभी से मैं ख़त्म कर देता चलूँ। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या है इसमें? सबसे पहला जो एविडेंस है, वैसे चार एविडेंसेस हैं, मैंने सोचा कि इस वीडियो में सिर्फ दो को मैं कवर करूं। चार में से जो पहला एविडेंस है वो है एविडेंस फ्रॉम द बायो जियोग्राफी, मैं समझा दूंगा ये क्या है। दूसरा जो है वो है एविडेंस फ्रॉम द पैलियंटोलॉजी, और तीसरा जो है वो है एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एनाटॉमी, और जो फोर्थ वन है वो एडवांस बायोकेमिस्ट्री से। तो वो चूंकि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन तीसरे और चौथे को, सिर्फ ये पहला और दूसरा जो इसको आज कवर करते हैं। तो अब आते हैं बायोजियोग्राफी की तरफ। बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी का मतलब है ज़मीन पर जानदारों की तरतीब, आप नहीं कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें पूरी दुनिया में आपने देखा होगा एक तरह का जानदार या एक तरह का प्लांट एक इलाके में मौजूद है, दूसरे इलाके में या तो मौजूद नहीं है या उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड शक्ल है। मानते हैं? बिल्कुल आप मान देंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यहाँ वहाँ आप देखें एक इलाके में एक तरह के दरख्त होते हैं लेकिन उसी मुल्क के दूसरे इलाके में उस तरह के दरख्त नहीं मिलेंगे। एक इलाके में एक तरह के जानदार है लेकिन दूसरे में नहीं है, या है तो वो मॉडिफाइड फॉर्म है। ये जो इनकी एक तकसीम है जानदारों की ज़मीन पर, इसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। क्योंकि बायो का मतलब क्या है? जानदार, जिंदा चीज़ें। जियो का मतलब है ज़मीन, ग्राफी का मतलब आप होता है स्टडी, यानी जो शख्स ये स्टडी करता है कि कौन कौन से जानदार ज़मीन के किस किस खित्ते में पाए जाते हैं और किस किस खित्ते में पाए नहीं जाते हैं, वो जो शख्स है वो क्या कर रहा है? वो बायो जियोग्राफी को स्टडी कर रहा है। तो बायो जियोग्राफी से हमें एक एविडेंस मिल जाती है इवोल्यूशन के हवाले से। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, लाइफ फॉर्म यानी जो जिंदगी है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी जितनी ये आपका अर्थ है, ज़मीन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जानदार है, ये जानदार इस इलाके में तो मौजूद है, सपोज़ कर दीजिए कि ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये है कि ये जानदार यहाँ से हमारे पास ज़मीन पे सबसे पहले ये यहाँ पर आ गया था, ये यहाँ पर मौजूद था। अब ये अपनी ओरिजिन से शिफ्ट होता है दूसरे
रीजन्स में, जैसे कि इनमें से एक रीजन ये भी है, ये एक इलाका है, ये दूसरा इलाका है, इस इलाके से ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। इस इलाके में आने के बाद हो सकता है इसकी जिस्म में थोड़ी बहुत तब्दीली आ चुकी हूँ, क्योंकि इसका जो इलाका है, इसका जो आब व हवा है वो इससे डिफरेंट है, तो लिहाजा इसके जिस्म में ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली होगी। जैसे कि बकरियां आपने देखे होंगे, मैदानी इलाकों में जो बकरे होते हैं वो पहाड़ी इलाकों के बकरों से मुख्तलिफ होता है। बकरी बकरी फिर भी बकरी होते हैं, लेकिन उनका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि जानदारों पर माहौल का असर होता है, इफ़ेक्ट होता है। मैं कहना क्या चाहूँ आप लोगों को, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो जानदार एक इलाके में तो मौजूद थे पहले से ही, उनका अपना घर था, अपना ओरिजिन था, ये दूसरे इलाके में आए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रा देखिए, अब देखे काम वाली बात, ये जानदार इस इलाके में क्यों नहीं मिला, ये एक और इलाका है, इधर क्यों नहीं मिला। डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हैं ना, इधर है उधर नहीं है। इसकी वजूहत इस हेडिंग में पेश की गई है कि जानदार क्यों एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा सके। तो वो हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल, साउथ अमेरिका, जब डार्विन ऑब्जर्वेशन कर रहा था साउथ अमेरिका के अंदर, उनको रैबिट्स नज़र नहीं आए, खरगोश, हालांकि रैबिट्स दूसरे इलाके में उसको नज़र आए थे, लेकिन साउथ अमेरिका में नज़र नहीं आए। तो उसने देखा कि यार साउथ अमेरिका का जो माहौल है बड़ा अच्छा भी है, बड़ा फिट है, बड़ा ज़बरदस्त है खरगोश के लिए। खरगोश के लिए वो माहौल अच्छा है, ये नहीं है कि अगर वो माहौल ख़राब होता तो फिर वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। माहौल अच्छा है, उसके बावजूद भी यहाँ खरगोश क्यों नहीं है। लेट सपोज़ ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर यहाँ तक खरगोश का ना आना, उसने उसका जवाब तलाश किया कि यार ये क्यों नहीं आ सकता है। उसके लिए सिर्फ ये खरगोश नहीं है, और भी बहुत सारे जानदार हैं, उसने अपनी तरफ से इसके लिए एक जवाब तलाश किया कि भाई क्यों जानदार वहाँ नहीं मिलेंगे। वो ये है बैरियर्स, ये है भाई इसका जवाब, बैरियर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज़मीन पर कुछ बैरियर्स जानदारों के सामने आए जिनकी वजह से वो जानदार आगे नहीं जा सके। वो बैरियर्स तीन तरह के हैं। नंबर वन, अगर इस इलाके और इस इलाके के दरमियान, ये दो रीजन है, यहाँ पर कोई ओशियन हूँ, मैं इधर ओ लिख लेता हूँ ओशियन, या यहाँ पर कोई डेजर्ट हूँ जिसकी वजह से जानदार यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि डेजर्ट में चलना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होता, और या फिर पहाड़ माउंटेन एम, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पहाड़ आप टच कर सकते हैं, फिजिकल सब्सटेंसेस है, फिजिकल। तो पहाड़ की वजह से ना जाना, डेजर्ट की वजह से ना जाना, या फिर वो ओशियन की वजह से ना जाना, ये बैरियर है। ऐसे बैरियर को क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर्स, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर्स, ये है फिजिकल बैरियर। नंबर टू, अनफेवरेबल क्लाइमेट। अब देखो आबो हवा का मसला है, एक इलाके से दूसरे इलाके में ना जाने का ये भी वजह हो सकता है कि उस इलाके का आब व हवा इस तरह से है कि ये वाला जानदार उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, लिहाजा वो जानदार वहाँ जाना नहीं चाहता, ना वो वहाँ जा सकता है, अगर वो चला भी जाए तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं करके मर जाएगा। तो ये भी किस्म का बैरियर है जानदार को वहाँ तक ना ले जाने में। तो इस तरह का बैरियर, चूँकि आप उसको फील नहीं कर सकते, ये फिजिकल बैरियर नहीं रहा, इसका नाम फिर क्या है, इन्वायरमेंटल बैरियर। ये आपके एग्जाम का सवाल आ जाए ना तो आप इस तरह लिखते जाएंगे, इसका डेफिनेशन लिखते जाएंगे, इन्वायरमेंटल बैरियर आप लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सा बैरियर है, इन्वायरमेंटल बैरियर, दो लाइनों में आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। और थर्ड जो है प्रेजेंस ऑफ कंपिटेटर्स। ये क्या है कंपिटेटर्स, ये है कि लेट सपोज ना तो यहाँ पर कोई ओशियन है, ना कोई डेजर्ट है, ना कोई माउंटेन है, ना कोई फिजिकल बैरियर है, ना कोई इन्वायरमेंटल बैरियर है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर कंपिटेटर्स है।
यहाँ पर ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि और जानदार है, यहाँ पर और मुख्तलिफ किस्म के जानदार है। वो जानदार क्या करते हैं, वो इससे ज़्यादा फिट है, वो खुराक हासिल करने के लिए इसको मौका नहीं देते हैं कि ये वही खुराक हासिल करे। खुराक ना होने की वजह से ये यहाँ मर जाएगा और जो जानदार फिट है वो उधर रह जाएंगे। तो इस तरह के माहौल, या फिर इस तरह से हैं कि इनके जो शिकारी है इधर इस इलाके में, इनके शिकारी घूम रहे होते हैं, वो शिकारी इसको देखते ही को खा लेते हैं, लिहाजा इस तरह के जानदार अपने ओरिजिन से यहाँ तक नहीं आ सकते। तो अगर शिकार, शिकारी या कंपटीशन वाली बात हो तो फिर इसको क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल बैरियर्स, इकोलॉजिकल बैरियर्स। लिहाजा बायोजियोग्राफी में जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह ना जाने में तीन चीज़ें हो सकती है कि वो ना जाए, जो उसके बैरियर्स आ गए। अच्छा, तो ये था एक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये एक प्रूफ हमारे पास आ गया कि क्यों एक जगह पे जानदार एक शक्ल में है और दूसरी जगह पे नहीं है, ये हमारे पास प्रूफ आ गया। नंबर दो, एविडेंस फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल क्या है, यहां पर लिखा हुआ है फॉसिल्स, फॉसिल्स ये हैं। फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स विच वर लिविंग इन द पास्ट। वो जानदार जो पुराने ज़माने में जिंदा थे, अब जब वो मर गए तो उनके जिस्म का जितना भी स्ट्रक्चर रह गया है वो है फॉसिल, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई बड़ा सा जानदार हो, इनका जिस्म उधर रह गया मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर या ऐसा सच रह गया, वो फॉसिल्स है। अब अगर आप फॉसिल्स को स्टडी करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैलियंटोलॉजी। तो पैलियंटोलॉजी क्या, किस तरह का प्रूफ देती है, ये विजुअल प्रूफ देता है, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। कैसे, मैं अभी बताते हैं आपको। देखिए, एक तो इधर लिखा हुआ है विजुअल रिकॉर्ड, बाय डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी। अगर आप फॉसिल को डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर करना भी बड़ा मुश्किल काम है, पहले डिस्कवर करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर फॉसिल है, डिस्कवर किया फिर उसको पहचानोगे भी ये किसका है, पहचानने के बाद उसको इंटरप्रेट करोगे कि ये कहाँ से आ गया होगा, ये किस किस जानदारों से आ गया होगा, इसको बताए इंटरप्रिटेशन। तो जो शख्स ये तीन काम करेगा, डिस्कवर करता है, आइडेंटिफाई करता है, इंटरप्रेट करता है किन चीज़ों को, फॉसिल को, तो वो शख्स जो है वो पैलेंटोलॉजी में, जिस तरह वहाँ पर बायोजियोग्राफी में था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, प्रोकैरियोट। एडवांस बायोलॉजी ने आज हमें ये बताया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या है, सबको पता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपलेस्ट जानदार है, इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि ज़मीन पर अगर सबसे ज़्यादा पुराना जानदार लिया जाए, कि सबसे पहले वो आया हो, उससे पहले कोई प्लांट नहीं था, कोई बकरी, कोई गाय वगैरह, कोई दरख्त नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जरासीम हुआ करता था, तो वो था प्रोकैरियोटिक लाइफ। अब इस प्रोकैरियोटिक लाइफ से, मैंने आपको एक थ्योरी भी बताई थी, एंडोसिम्बियंट थ्योरी, ठीक है, वो आपने देखा होगा। उस थ्योरी में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट जानदार किस तरह यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ से कुछ सबूत हमें मिल चुके हैं। उन सबूत के बिना पर आज ये कहा जा रहा है कि आज के जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म आए, मतलब ज़िंदगी जितने भी जानदार हैं, वो सब कहाँ से आए हुए हैं, प्रोकैरियोट से आए हुए हैं। तो ये जो प्रोकैरियोट है, ये इनके लिए क्या है, एनसेस्टर है, एनसेस्टर मतलब अबाउ अजदाद, ये यहाँ से आ गए होंगे। चूँकि प्रोकैरियोटिक के जो फॉसिल है वो भी हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास और किस किस चीज़ के फॉसिल मौजूद है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस हेडिंग के हवाले से हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, देर इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि दुनिया में कोई काम वक्त के साथ हो जाए, टाइम विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। इंग्लिश वर्ड है क्रोनोलॉजी।
अब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊं, बड़ा बड़ा जबरदस्त है। कहते हैं कि ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ये हमें आजकल हमारे पास मौजूद है किसका, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। और क्या मतलब, ये देखिए साइंटिस्ट को जमीन पर किसी एक इलाके में कुछ हड्डियां मिल जाती है, ये बोन है, ये एक बोन है, ये भी बोन है, हड्डियां मिल जाती है, तो आप उसको क्या कहते हैं, FOSSIL, फॉसिल, ये फॉसिल है। और ये एक और दूसरा इलाका है या वही इलाका है उधर, उसको एक और फॉसिल मिल जाता है, इधर भी फॉसिल, में ये तीन मुख्तलिफ किस्म के इलाके उनको फॉसिल मिल जाते हैं। अब वो लोग इस चीज में कामयाब हो ही गए कि इन तीनों किस्म के जो फॉसिल है इनमें से कौन ज्यादा पुराना है, कौन ज्यादा ओल्ड है। ये जो आजकल आपने देखा हो कोई शख्स कहीं पर मिल जाता है डेड बॉडी, तो डॉक्टर हजरात तो बता देते कि यार ये एक महीने से इधर पड़ा हुआ या दो महीने से या चार महीने से या एक साल से पड़ा हुआ, यह आपने देखा हुआ है बिल्कुल। हालांकि कोई बंदा नहीं उसको देखा नहीं कि यार ये मैं देख रहा हूँ ये एक साल से पड़ा हुआ है, बस मिल जाता है, फिर उसके अंदर कोई टेक्निक यूज करके उसका पता लगाया जा सकता है कि ये एक साल से इधर पड़ा हुआ है। उस टेक्निक का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स का एज, ऑर्गेनिज्म का एज मालूम करते हैं फॉसिल का, खासकर कौन सा जो फॉसिल है उसका एज मालूम करते हैं कि ये किस वक्त से यहाँ पे पड़ा हुआ, कितना पुराना है। इस टेक्निक का नाम है रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो साइंसदानों के पास अपनी मशीनरी आजकल मौजूद है उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, इन फॉसिल का एज भी मालूम किया, इनका एज भी मालूम किया। सपोज इनका जो है 5 मिलियन ईयर्स है, इसका 4 मिलियन ईयर्स है, इसका 3.5 मिलियन, सपोज फर्ज करते हैं, पता चल गया। अब उनको इनसे एक आइडिया मिलता है कि यार ये जो जानदार है ये 5 मिलियन साल पहले मौजूद था, थे, लेकिन इसी टाइम पर ये मौजूद नहीं थे क्योंकि ये उसके बाद आए हुए हैं, ये उसके बाद आए हुए हैं। एज से पता चल सकता है ये वही इलाका है, ये 5 मिलियन साल पुराने, ये 4 मिलियन, ये 3.6 मिलियन साल पुराने। तो इनसे वो अंदाज़ा, उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि स्टार्ट में ये वाले जानदार मौजूद थे, कोई ऐसा कहत आया, कोई ऐसा सिचुएशन आई जिसकी वजह से ये जानदार मर गए, और इनके बाद इसी जगह पर और तरह के जानदार आए, इवॉल्व होकर आए, या उनमें से कुछ जानदार बच गए, उनके जिस्म में तब्दीली आ गई, तो फिर ये जानदार आ गए। जब ये मर गए, ये भी इस तरह मर जाते हैं, इनके फॉसिल जो है वो फिर 4 मिलियन साल के हैं, और इसी तरह से फिर वो ये देखते हैं कि यार इनके बाद फिर ये आ गए होंगे, क्योंकि सीक्वेंस भी लगा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस टाइम के साथ साथ, ये आजकल हमने पता लगा लिया है कि ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना है। इससे हमने एक एवोल्यूशन की तरफ एक लिंक दे दिया, एक एविडेंस दे दिया। तो जब उन्होंने देखा कि शुरू में जो सबसे पुराने फॉसिल मिले वो किसका मिला था, वो फिश का मिला था, मछलियों का मिला था, मछली के बाद जो फॉसिल मिले जो मछलियों से एज के हवाले से थोड़ा अर्लियर है वो थे एम्फीबियन, मेंढक वाला जो खानदान, एम्फीबियन के बाद फिर रेप्टाइल्स के फॉसिल मिले, हमारे पास फॉसिल हैं। तो इनसे साइंटिस्ट ने एक आइडिया बनाया कि जो मछली है ज़मीन पर सबसे पहले मछली आए उसके यूकैरियोटिक लाइफ में, मछली के बाद एम्फीबियन आया, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल आया। ये जो एक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना बोर्ड पर, छोटा सा स्टेटमेंट, ये उस स्टडी के नतीजे में ये आया, जो साइंटिस्ट आंखें बंद करके नहीं बोलते हैं कि भाई एम्फीबियन के अबाव अजदाद मछली है, रेप्टाइल्स के अबाव अजदाद एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स ने फिर किसको लाइफ दी, वो है बर्ड्स या फिर मेमल्स, आपको पता है मेमल्स क्या है।
तो मैमल्स जो है क्रोनोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए मैमल्स सबसे ज़्यादा एडवांस है और सबसे ये इन सबसे आखिर में है। सबसे पहले फिश था, फिर एम्फीबियन था, फिर रेप्टाइल था, फिर मैमल्स था। तो ये सीक्वेंस हमें कहाँ से मिला? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब ये आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा, बात समझ गए होंगे। इसके अलावा हम इससे क्या मालूम कर सकते हैं? द ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इनसे हम एक जानदार की हिस्ट्री का भी पता लगा सकते हैं। एक जानदार का हिस्ट्री कैसे पता लगाते हैं? एक जानदार की एग्जांपल है घोड़े का, जो आजकल का जो घोड़ा है। देखिए आजकल का जो घोड़ा है अगर आप देखें वो उसके जो टांगे हैं उसके टांगों के आखिर में जो है आपको सिर्फ एक उंगली मिल जाएगी, वन फिंगर, दैट इज टो। तो पता है आपको एक टो है ये, इसके ऊपर इसकी पूरी टांगे जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। हमें ऐसे ऐसे फॉसिल मिले घोड़े के, साइंटिफिकली ऐसे फॉसिल मिले, बहुत सालों पुराने फॉसिल मिले, जिसमें इनके जो टांगे हैं देखा गया कि उनके अंदर जो टोज थे वो चार थे। एक ये टो है, ये दूसरा, या आप यहां से देख सकते हैं, वन टू थ्री फोर, ये चार टोस थे। जाहिर है उनको कोई हड्डी मिली होंगी, उन हड्डी के अंदर इनकी हड्डियां नजर आई होंगी। फिर उनको एक ऐसा हड्डी, ऐसा फोजिल भी मिला था जिनमें जिनकी शक्ल इस तरह थी लेकिन उसमें फिर एक उंगली गायब हुई थी, सिर्फ तीन उंगलियां रह गई थी। इसका एज देखा गया तो ये इसके एज के बाद आया हुआ, तो उनको अंदाजा हुआ कि यार ये इसका एज काफी पुराना है, इसका एज उसके बाद है। इसका मतलब ये है कि पहले ये जानदार हुआ करते थे, इनके बाद इसमें जिसमें तब्दीली आ गई, इवोल्यूशन आ गया, ये उंगली अब नहीं रही, अब सिर्फ ये तीन है। अच्छा फिर क्या हुआ? ये तब्दीली आती गई, जो आजकल का जो घोड़ा है उसमें ये दो मजीद उंगलियां ये भी खत्म हो गई, दरमियान का एक टो रह गया, दिस इज वन सिंगल टो, जिसे आजकल आप होफ कहते हैं। ये घोड़ा जब रोड पे चलता है उसकी जो आवाज़ें आ रही है वो उसके होफ होते हैं, वो दरअसल एक उंगली है। आप यकीन हो रहे हो, दैट्स एक उंगली है। तो ये देखो, इससे हमने इसको ट्रेस किया, आजकल का जो घोड़ा है इससे हमने ट्रेस किया कि यार इसका ओरिजिन पहले ये था, इसके से पहले तीन थे, तीन से पहले वो चार थे। तो आजकल का जानदार हम बैक की तरफ ट्रेस करके बता सकते हैं कि ये कितने साल, ये जानदार, इस जानदार का अबाव अजदाद किस तरह था। आजकल आप जानदार को देख रहे हैं, उसके फॉसिल रिकॉर्ड को देख देखकर आप बता दें कि ये जानदार आज इतने साल पहले किस तरह था। जैसे कि वो लोग आज डायनासोर को बता रहे हैं कि यार जो डायनासोर होते हैं वो अच्छे कितने हज़ार साल पहले था, फिर उसके जिस्म में तब्दीली आके उसके बाद कैसे कैसे जानदार आ गए, ये सारा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम ले आते हैं। तो इसके साथ ये दो सीक्वेंस लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा तफसील इसके अंदर ऐड कर दी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक रिविज़न और देता हूँ कि एवोल्यूशन के एविडेंस में हमारे पास चार एविडेंसेस हैं। चार में से जो पहला है वो है बायोजियोग्राफी, ज़मीन पर जानदारों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ है, कहीं पर है कहीं पे नहीं है। ओरिजिन एक जगह पर है, एक जानदार पूरी दुनिया में किसी एक जगह से अराइज होता है। साइंटिफिकली आप ये देखिए, अगर आपको सेब का दरख्त नज़र आएगा तो सेब का दरख्त पूरी दुनिया में उसकी एक जगह से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ से स्टार्ट में आया, फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वही दरख्त अगर आपको नज़र आए तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जानदार, एक खरगोश या कोई दूसरा जानदार इस दुनिया में किसी एक ओरिजिन से निकला होगा, फिर बाकी इलाकों में उसके स्पीशीज़ मिलेंगे। तो ये था उसका एक प्रूफ। हमने ये भी देखा कि किन किन वजूहात की बिना पर जानदार एक इलाके से दूसरे इलाके तक नहीं जा सकते। तीन वजूहात हमने पेश कर दी, एक था फिजिकल बैरियर, दूसरा था इन्वायरमेंटल बैरियर, और तीसरा था इकोलॉजिकल बैरियर। सेकंड बैरियर हमने पढ़ा कि पैलेंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है कि इवोल्यूशन हो चुका है। उसमें हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिव डेटिंग की बुनियाद पर जानदारों का एज मालूम किया जाता है, उनकी हड्डियों का एज मालूम किया जाता है, उनके एज से अंदाज़ा लगाया जाता है
कि ये जानदार पहले थे, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए। इन्हीं से हमने एक फार्मूला बनाया कि पहले मछली है, फिर एम्फीबियन आया दुनिया में, फिर रेप्टाइल आया, फिर बर्ड, फिर मैमल, एंड देन फिर हम लोगों ने इसकी मदद से ये भी साबित कर दिया कि एक जो मौजूदा जो जानदार जो अपने एडवांस शक्ल में है उसको पीछे जाकर हम ट्रेस भी कर सकते हैं। जैसे घोड़े को हमने पीछे जाकर ट्रेस किया कि इसके क्या क्या चेंजेस हो सकती है। लेकिन साइंस की दुनिया में फुल प्रूफ नहीं है, तो ये तो उंगली से हमने एक जस्ट एक चीज़ देख करके यहाँ तक पहुँचे। ऐसा दुनिया में किसी भी जानदारों ने अपना फुल सबूत नहीं छोड़ा है कि उसको 100% जाके ट्रेस किया जाए। इसीलिए तो इवोल्यूशन थ्योरी में बहुत सारे इल्ज़ाम आते, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमें बस क्या चाहिए, एक अच्छा सा लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।